गुड इवनिंग मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, आपको पता है मैं भी क्या कर रही थी? अभी मैं किसी को बोल रही थी, ये मेरे नालायक बच्चे। यस, तो फिर उसने में ही मेरे को लगा कहीं रिकॉर्ड कहे हॉ है, बच्चों ने सुन लिया। तो मैंने कहा सुन लिया, ये है शैतान, तो मार तो खाएंगे, डांट तो खाएंगे, बनता है कि नहीं बनता शिल्पा जी, बताओ हर्षिता। वैष्णवी गुड मॉर्निंग ट्रॉल्स, प्लीज प्राइस योरसेल्फ, दिस इज योर वाणी मैम इन फ्रंट ऑफ यू विद द एम फॉर सीबीएसई 12 बोर्ड नीट 2021 सीरीज। आज मैं लेकर आई हूं मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू नॉटी नालायक गैंगस्टर्स के लिए 2020 का सीबीएसई बोर्ड पेपर। क्या कहते हो? यो, हां जी, क्या कहते हो? कहते तो ये है मैम कि थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए। सही बोल रहे हैं। 2021 कितने बच्चों ने सॉल्व किया है और कितने बच्चे एक्साइटेड हैं? डन। वेडनेसडे आज मंडे है ना? हाँ ठीक है। तो मैं अभी कुछ प्लानिंग कर रही थी, वेडनेसडे से कुछ सोच रही हूँ, कुछ नया ताजा रैप अप करके लेकर आया आपके लिए। राइट, सॉल्व करा है, वाह। चलिए, मेरी टी शर्ट वाला बच्चा कौन है बेटा? आज मैंने काफी बच्चों की टी शर्ट पैक कर दी है। रविंद्र जी, आपको टॉप करना पड़ेगा बेटा, हमारा कोई लीडर बोर्ड फिर आपके लिए टी शर्ट आएगी। कल नीट 2021 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रैंक बूस्टर है, और कल ये भी याद रखिएगा, टुमारो आई एम स्टार्टिंग एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज। धन्यवाद कनिका। यस, कल मैं एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज स्टार्ट कर रही हूं प्लांट फिजियोलॉजी की 5 PM पे। ओके, एक्साइटेड। सो कल हम सुबह पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी रेस टू पावर इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट, दे दीजिए हाई फाइव। कितने बच्चे आज आए थे और उन्होंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस किए? 2020 सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू कल होगा। मेक श्योर दैट ईच वन ऑफ यू बिकम्स अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। तो कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और गाइस, हमारा यूजर नेम जो है वो है vani_vedantu इंस्टाग्राम पे, जो ऑफिशियली पावर्ड बाय वेदांतु है, एंड बायोटॉनिक फॉर नीट जो कि मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए। यस, चलिए आगे बढ़ा जाए। एंड गाइस, बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। मेक श्योर दैट आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेक श्योर दैट यू एक्चुअली, मतलब you know, you become a part of V Biotonic दिल से, because this is one channel which is working only and only and only for you. So Biotonic का Telegram group join कर लीजिए, so that you don't miss out on any opportunity. And ये इस साल का जो NEET का result है, which is stupendously fabulous, like इतना बढ़िया result, is the first time ever on any online platform, and we are so proud of the fact that our students have been going every day. My Telegram is flooded with messages that, you know, students have been getting into best and top colleges of the country, and that makes me feel so, so happy. But not only that, not only do you have to consistently do well in your board exams, you have to consistently do well in your board exams as well as NEET exams. Oopsies. So start kare? Right? Start kare 2020 ka paper discuss karna. Batao. Yes. चलिए, बिल्कुल लैग नहीं हो रहा गियन। चलिए, और जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए। थैंक्स सुमेधा। तो मेरे पास ब्लेजर्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो अगली बार तो मेरे टी शर्ट के साथ ब्लेजर फ्री, टी शर्ट लीजिए साथ में ब्लेजर। यस एवरीबडी, चलो लेट्स गेट गोइंग। राइट, द प्लॉयडी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, मियोसाइट एंड गैमेट्स। राइट, बदले में मुझे आपके घर से आटे के लड्डू चाहिए। आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ सर्दियों के मौसम में घर के बने हुए आटे के लड्डू, थोड़ी सी गोंद वोंद डाल के। राइट, तो यहां से जाएगी टी शर्ट और वहां से आएंगे आटे के और गोंद के लड्डू। डन। यस, तो बस सही है ना, एकदम बढ़िया है। चूरमा आ जाना चाहिए सारे राजस्थानियों के घर से, और बादाम पूरी आ जानी चाहिए कर्नाटका वाले घरों से, और लड्डू आ जाने चाहिए। यस, चलिए एंड लेट्स गेट गोइंग। अभी हम ध्यान देंगे पेपर पे, अभी नो गपशप, ओनली पढ़ाई, एंड अभी हम ध्यान देंगे अपने पेपर पे। ठीक है, तो एक हाई फाई कर दीजिए मुझे और पेपर स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना 2020 का पेपर। तो कल का एक बार पहले टाइम टेबल बता दूं मैं। महेश नक्का, इडली सांभर भेज दो, साथ में थोड़ी सी चटनी डाल दो, बस शेंगदाना पूरी डाल दो, मजा ही आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल सुबह हमने 10 o'clock क्या करना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज करेंगे। सो टुमारो वी आर डूइंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एट 10 o'clock। व्हाट एम आई डूइंग एट 5 PM?
गियन बिल्कुल लाइव है बेटा जी, आपको क्या हो गया आज? कल हम 5 बजे क्या करने वाले हैं? कल सुबह मेंटी करेंगे 10 AM ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कल शाम को 5 बजे मैं NCERT मार्किंग करवाने वाली हूँ आप लोगों को, ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला टॉपिक शुरू करेंगे NCERT मार्किंग, और कल हम इसका पेपर नंबर 2 सॉल्व करके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे. सो वॉट इज अ मियोसाइट? मियोसाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, ये वो है जो मियोसिस करना शुरू करता है. Write everybody question number 6 to 12 out of 2 marks each. तो आपको myocyte के लिए 1 mark मिल जाएगा अगर आपने लिखा होगा myocyte 2N is equal to 46, क्योंकि human specifically पूछा है. And gametes आपके होंगे N which is equal to 23. तो myocyte 2N 46 half half, N 23 half half. देखो मैंने साथ में marking scheme भी रखी हुई है. So that is how you have to answer this question. There is no lag. एक बार जिन बच्चों को lag नहीं आ रहा वो yo sign बना दीजिए. बिल्कुल भी lag नहीं है, class बिल्कुल ठीक चल रही है मेरी चुन्नू मुन्नू. Naughty बच्चों, बड़े शैतान बच्चे हैं, like बड़े ही ज्यादा शैतान बच्चे. इनकी ना पिट्टी करनी है, कुछ 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 मुझे मिलना चाहिए इनकी पिट्टी करने के लिए, है ना? चलो, बड़े ही मतलब एकदम नॉटी से बच्चे हैं मेरे पास, सुनते ही नहीं है बात. वॉट इज एन्यूप्लॉयडी? देखिए आ गया आपका जेनेटिक्स वाले चैप्टर का. वॉट इज एन्यूप्लॉयडी? 2020 का पेपर डिस्कस कर रही हूं मैं, सारे पेपर डिस्कस कर लूंगी ऐसे. 2020 का पेपर डिस्कस कर रही हूं. वॉट इज एन्यूप्लॉयडी? 2N+1, 2N-1. बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो भी सकता है, बहुत बहुत बार रिपीट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है. एन्यूप्लॉयडी क्या है? What is aneuploidy? Right, aneuploidy is a failure of segregation of chromatids during cell division. Cell division के time पे जब chromatids segregate नहीं होते उसको aneuploidy कहते हैं. Resulting in gain or loss of chromosome. 2N+1 or 2N-1 आपका aneuploidy है. Yes or no on my screen right now. Give me a high five. You deserve it. Well done. बेटा जी अगर मेरा आवाज क्रैक कर रहा है तो ईयरफोन्स डाल लो और सुन लो और बैठ के पढ़ाई कर लो. 2N+1, 2N-1, राइट, ऑफ एन ऑटोसोम. सो गेन ऑफ एन ऑटोसोम ट्राइजोमी 21 में. ट्राइजोमी 21 कितना अच्छा क्वेश्चन है. Trisomy 21 is gain of an autosome. Autosomes are the sex chromosomes. Autosomes are your body chromosomes. Gain of an autosome is the Down syndrome. Loss of sex chromosome in females is your Turner syndrome. XO. Turner. So X hai to female hoga. So it is supposed to be XO. Loss of. देखिए कितने अच्छे से question आपको पूछा गया है. Name a chromosomal disorder in human beings caused due to. What is aneuploidy पूछा गया, हाफ मार्क आ जाएगा. डाउन सिंड्रोम के लिए हाफ मार्क और इसके लिए हाफ मार्क. What is failure of segregation of chromatids के लिए हाफ मार्क. Resulting in gain or loss, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है. अगर आप साथ में लिखेंगे 2N+1, 2N-1, even better, that is referred to as aneuploidy. आ गया समझ में? Yes, done. So सुबह हम क्रैश कोर्स के अंदर ही रैंक बूस्टर कर रहे हैं. 12th का रैंक बूस्टर खत्म होने के बाद 11th का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे. स्टेट अ फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग कोडॉन्स. वेरी गुड क्वेश्चन. फंक्शनल डिफरेंस बताइए इन कोडॉन्स के अंदर. देखिए AUG आपका स्टार्ट कोडॉन होता है, ये मीथियोनिन के लिए कोड करता है. तो आपने कितने अच्छे से, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी. Right everybody, thanks Vandana. कोई बड़ी बड़ी ऐसे what is or start कोड, हमको गप्पे सुनने के लिए examiner नहीं बैठा. Examiner की life बड़ी happening है, बहुत happening life examiner की. उसको 150 paper check करने, वापस घर जाना, खाना बनाना है. Right everybody, तो बहुत happening life है उसकी. Please वैसे लंबे चौड़े examiner में answer मत दीजिए, क्या पता कोई आपस में लड़ाई झगड़े करके examiner आया हो और आपका ऐसे लंबा लंबा आंसर देगा और दो कट मार देगा. राइट, सो स्टार्ट कोड ऑन, बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखिए. UA, क्या पता एग्जामिनर के आप जैसे बच्चे हो, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर के बच्चे आप जैसे हो, बड़ा परेशान हो अपने बच्चों से. बच्चे सारा दिन गोभी मंचूरियन खाते हैं, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है. यस, गाने गुने गाते रहते क्लास में बैठ के. एग्जामिनर क्या पता बड़ा ही परेशान हो, आज तो जाके ना इनकी पिटाई करूंगा और ऊपर से आपका पेपर आ गया, उसको अपने बच्चों की याद आ गई, बस एपिक खत्म वहीं पर. सो प्लीज ऐसा स्पेसिफिक पेपर लिखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई लंबी चौड़ी वहां कहानियां मत लिखिएगा. AUG इज योर स्टार्ट कोडॉन व्हिच कॉल्स फॉर मीथियोनिन.
UAA is your stop codon or your nonsense codon. It does not code for any amino acid. It is your terminator. इसको nonsense codon कहते हैं. इसको stop codon कहते हैं. AMBL, OPAL, OSHER. ये UAA आपका टर्मिनेटर है, इट्स दी ओशर. सो आपको दोनों का पता चल गया. व्हाट इज स्पेसिफिक एंड डीजेनरेट, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट? तो हाफ मार्क इसके लिए मिलेगा, हाफ मार्क इसके लिए मिलेगा, हाफ मार्क इसके लिए मिलेगा और हाफ मार्क इसके लिए मिलेगा. टोटल हो गया हाफ इंटू फोर, राइट? सो व्हाट इज स्पेसिफिक, इट इज वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड. AUG कोड्स फॉर मेथियोनीन इज स्पेसिफिक. वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन. UUA, UUG, UUC. Thanks, Sangeeta. Did you understand? एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोड है, that is called degeneracy, क्योंकि अमाइनो एसिड तो है 20 और कोड बन चुके हैं 64, जिसमें से तीन नॉनसेंस कोडॉन है, एक स्टार्ट कोडॉन है, तो भी 60 कोड्स हैं फॉर 20 अमाइनो एसिड. इज दैट क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, हाउ डू हैव टू राइट इट? डन बेटा जी, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो, बहुत बढ़िया चल रहा है नेट. चलो ठीक है, आगे देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं. ये इतने बड़े क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं. एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, थोड़े दिन पहले हमने किया है. सो द मोमेंट यू सी दिस क्वेश्चन यू लाइक ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, यस, एंड यू लाइक आई डोंट क्वाइट लाइक इट, आई गॉट स्टक रियल बैड. बट दैट्स नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इज योर एबिलिटी टू बी एबल टू लुक इनटू द क्वेश्चन एंड से आई कैन डू इट, I can do it, I will do it. Identify any two marsupials. बहुत easy है, बहुत easy. Any two. Lemur, not. Spotted couscous, flying phalanger, bobcat नहीं है, mole नहीं है. It is Tasmanian wolf. Tasmania is a state close to New Zealand. By the way, मैं कभी New Zealand नहीं गई हूँ, पर मेरा बड़ा मन करता है. एक बहुत पहले movie आई थी ऋतिक रोशन की, उसकी launch movie थी. Which was a launch movie of Hrithik Roshan, कहा जाता है वो न्यूजीलैंड में शूट हुई थी. न्यूजीलैंड आई बिलीव इज अ वेरी प्रिटी, इज अ वेरी नाइस कंट्री. बट यू नो व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट न्यूजीलैंड, आई लाइक देयर प्राइम मिनिस्टर द मोस्ट. हैव यू एवर हर्ड ऑफ जेसिंडा आर्डर्न? शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री. रीड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, शी हैपन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन्स ऑफ 2020 फॉर मी. Yes, she's an extremely, extremely inspirational woman for me. So I really, what I like, and it was also one of the first countries to ever, keep COVID outside. They did not have a COVID outbreak. She really dealt with it really well. So I personally really like the Prime Minister of New Zealand. But New Zealand along with Australia is really famous for marsupials. So Tasmania ka ek island hai, wahan se baat shuru hui, Tasmania, where you have a wolf called Tasmanian wolf, you have flying phalanger, and you have spotted couscous. All of these are marsupials. That means they have a pouch. They have pouch. Right, everybody? Australian marsupials each differ from other evolved from ancestral stock, all within Australian island continent. Australian marsupials exhibit adaptive radiation. अगर आपको एक फोटो देखी होगी आपने NCRT में, तो बीच में एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है जिससे ऐसे एरोज बाहर जा रहे हैं. सो पहले अर्थ वॉज वन, जब अर्थ एक था उसको पैंजिया कहते थे. पैंजिया स्प्रेड आउट हो गया और छोटे 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 आइलैंड्स बन गए. एंड उन छोटे 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 आइलैंड्स जो पैंजिया से बने हैं, उन पर what was there, उन islands पे क्या गया, उन islands पे, you know, जब वो earth से separate हो गया तो Australia बन गया, और Australia में they all were present. What is spotted couscous beta? It's a animal which is found in Australia. Is it clear everybody? Is it clear? Lemur की तरह होता है. So common spotted आपने इसका ना ऐसा सा मुंह होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा लाइक दिस, इट्स लाइक रियली बिग एंड इट्स नॉट लाइक अ रैट. लेट्स माय ड्रॉइंग इज माशाल्लाह, इट्स नॉट लाइक अ रैट, राइट? इट हैज अ मच लॉन्गर टेल लाइक दिस. It's like a lorry or a tarsier. Yes, there is a region called New Guinea. There's a region called it's something like an anteater, but it's not an anteater.
करेक्ट, लुक्स लाइक इट्स ब्राउनिश एंड क्रीमिश इन कलर, राइट? इट्स दिस पिक. मैंने नहीं देखा मुझे कितना बड़ा होता है, मैंने गोदी में लेके घूम रही थी उसको, कितना बड़ा बच्चे तो ना बायोटोनियल, सच्ची बताऊं तो. यस, आ जाओ मेरी क्लास में आ जाओ, सारे बच्चे ढूंढने कोशिश कर रहे हैं, मैं लेके गोद में घूम रही थी उसको, आ जाओ बच्चों दिखाती हूँ स्पॉटेड कुसकुस. मतलब कुछ भी पूछते हो यार, कुछ भी पूछते हो. यस कोई भी मतलब अजीब और गरीब सवाल पूछोगे, कितना बड़ा होता है, दांत कैसे होते हैं, आंखें कैसी होती हैं, नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी द मदर प्रोवाइड्स अ न्यूबॉर्न. ये हम पिछले 3-4 दिनों में बहुत बार कर चुके हैं. व्हाट इज द इम्यूनिटी? पैसिव, विच कम्स, इट्स नॉट एक्टिव बिकॉज बच्चे ने खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाई है. इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज मदर प्रोवाइड कर रही है. हाउ डज इट हैपन? कोलेस्ट्रॉल, द मदर्स मिल्क हैज अबंडेंट antibodies, IgA is present, right? So there are abundant antibodies which are present in the mother. The maximum one is IgA, passive immunity, right? Done. How's your health now? Kaisi dikh rahi hu main? Ekdam fit and fine. Yes. Bas abhi ye bhala haath mein leke attack karna hai. Yes. Bilkul, by the grace of God, I'm absolutely fit and fine. Yes. Bas ek हाथ में उठाना है तलवार और सर कलम कर देना है. यस एवरीबडी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बच्चों, बिल्कुल ठीक हूं मैं. चलिए राइट, आ जाइए. नेम द टू प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. सो द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, थाइमस, जो बनाएगा आपके लिए थाइमोसिन, एंड दिस विल हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स. वी हैव जस्ट डन दैट फ्यू डेज अगो. मुझे ये जरूर लग रहा है दैट ऑल माय स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू रियली रियली वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर नीट एग्जाम्स, बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ डन एवरीथिंग. एंड बोन मैरो इज फॉर द बी लिम्फोसाइट्स, बिकॉज जो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगे, बोन मैरो मैच्योर होंगे, उसको बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे, दूसरों को टी लिम्फोसाइट्स. फंक्शन, हेल्प्स बी सेल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है आपको पता है? एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं. हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ये क्या करवाते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाते हैं, साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड क्या है बच्चों आपकी? साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. आपको पता है ग्राफ्ट, एंड इनके पास एक और स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, वो भी बता देती हूँ. ग्राफ्ट को रिजेक्ट करवा देते हैं सेल. साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और बेटा देखो, जिन बच्चों को लग रहा है ना कि इसके थ्रू बोर्ड क्लियर नहीं होगा, बायो में तो स्पेसिफिकली बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बोर्ड्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी, जिसकी वजह से ही हम एमसीक्यूज में अच्छा कर सकते हैं. एंड दिस ओनली विल फॉर्म द नेचुरल किलर सेल्स, राइट एवरीबडी? परफेक्ट. हाउ आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डिफरेंट फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर्स? Why are some patients treated with interferons? Correct? How are malignant tumors very, very different from benign tumors? Malignant or benign mein kya difference hai batao? Right? Malignant wo hai jo spread kar jate hain. They are able to do something which is called as metastasis. Mahesh, aap theek bol rahe hain. Benign tumors remain confined, means wo ek hi jagah par rehte hain, to their original location. They do not spread to other parts of the body. They do not cause any damage. The spread is called as metastasis. So there truly is no metastasis. Malignant tumors proliferate and spread to other body parts. They are more harmful. They spread. They can either spread through lymphatic vessels or they can spread through blood vessels. Right? So they have to spread. Is that clear? Done, Vani ji. ठीक है बच्चों, रविंद्रा जी आपका मैसेज कोई डिलीट नहीं करेगा. Don't you worry about it. Okay? Thank you, Disha. A biological response modifies activate immune system to destroy tumors. Why are some patients treated with interferons? Interferons को IFN भी कहते हैं. मैंने आपको IFN, IL ये सब बताया हुआ है. तो ये क्या करते हैं? ये basically कई बार some tumors are caused by viruses. Interferons also have the ability to destroy tumors, just like natural killer cells. NK cells होते हैं जो T lymphocyte से बनते हैं. T lymphocyte के एक cell
सेल कहलाते हैं, हेल्पर टी सेल. इंटरफेरॉन्स ऑल्सो दे आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. हो सकता है आपके इंटरफेरॉन्स जाकर नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर दें, विच हैव द एबिलिटी टू किल द ट्यूमर, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर. अब और वाले क्वेश्चन आ गए, सारे 2020 के क्वेश्चन है, अब और वाले क्वेश्चन आ गए. यस और नो, दिख रहा आपको? एनी डाउट्स बता दो. अब देखो और वाले क्वेश्चन आ गए, और वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी हम लोग सॉल्व, तो ये देख लेते हैं, है ना? बताओ बच्चों, बहुत सिंपल है, और वाले क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? नेम दी हार्मोन तो बेटा पहले ही पढ़ लेना, ऐसा मत करना वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद पढ़ रहे हैं, होता है कई बार. यस, अब आप बोल रहे हो कि मैम आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हम इतने भी भोले भाले चुन्नू मुन्नू नहीं है, हमें सब पता है. नहीं, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, मेरे को पता है आप बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े स्मार्ट हो, पर पहले दोनों और पढ़ लेना फिर एक सॉल्व करना, ठीक है? अभी मतलब यस, तो नेम द हार्मोन व्हिच A cow is administered during multiple ovulation embryo transfer. Multiple ovulation embryo transfer में एक बहुत अच्छी cow के पास हम FSH लगाते हैं, जिसकी वजह से वो multiple times ovulate करती है, eggs देती है, उन eggs को निकाल लेते हैं zygote बनने के बाद, and then we put it in a normal cow who's a surrogate. तो follicle stimulating hormone जब भी दिया जाएगा, उससे follicles mature होंगे और बहुत super ovulation होगा, multiple eggs बनेंगे, production of 6 to 8 eggs. Right, and then when you artificially impregnate the cow, तो 6 to 8 zygotes बन जाएंगे. और ये जो 6 to 8 zygotes है ना, you can put them in a normal cow. Yes, everybody. आज आप मेरी मंद मंद मुस्कुराहट नहीं देख रहे हैं, मेरे को कुछ मन कर रहा है आपसे शेयर करने का. Right, everybody. सोच रही बता ये दूं आप लोगों को. Yes, everybody, put it in a surrogate cow. Right. मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही दूँ, बता दो प्लीज शेयर, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ ये जो ऐसे ऐसे है ना उड़ रहे हैं इधर उधर, मैं दोबारा से ऐसे वो मोड में, दे आर गेटिंग अ लाइफ ऑफ देयर ओन, तो इनकी पिटाई करने की जरूरत है अभी आपके साथ. एनीवेज, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज मैं हमारे कुछ नहीं है यार, बैठ के रात भर आपके लिए जो नई सीरीज अनाउंस कर दी है ना एनसीईआरटी, उसकी तैयारी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ सुबह 6 बजे से लगी हुई हूँ, अभी रात भर 12-1 बजे तक दोबारा लगना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा, वही प्लानिंग चल रही है. चलिए आइए, सो टारगेट नीट यूजी 2021 12th क्लास जो है वो एग्जाम्स देने वाली है, तो अगर आपको पूरी थियोरी और एमसीक्यूज करने हैं, द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू रियली रिक्वायर टू स्टडी ऑल क्लासेस लाइक स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें टाइम फिस रहती है, इंग्लिश और हिंदी के स्पेशल बैचेस होंगे, लर्न सेफली फ्रॉम होम ऑन एनी डिवाइस, मास्टर कॉन्सेप्ट्स विद इंडियाज बेस्ट क्लास टीचर्स, एंड मेक श्योर दैट आप क्लास में डाउट सॉल्व करें. तो ये सब आप कर सकते हैं विद नॉट ओनली दिस असाइनमेंट्स, 10,000 प्लस एमसीक्यूज, 5,000 प्लस आवर्स ऑफ लर्निंग एट अ प्लेटफॉर्म विच इज नोन एज वेदांतु. Veda means knowledge, Tantu means network. So it's a network of knowledge. All that you have to go is you have to go to vdnt.in/ytpro. Use the code VDPRO. Right, Gian? Chunnu Munnu? Right? Guys, and ye wali coaching bhi aap le sakte hain, which is nothing but the VDPRO. Ab thoda detail pe aaye? Thoda detail? Right? Ye dekhiye. Draw diagram aa gaya. Aisa kuch bana loge? Ya tum... टाइम फिस हो जाएगी एग्जाम में. यस एवरीबडी, बताइए बना लेंगे आप लोग ऐसा कुछ? हाँ मैम, कुछ तो हम कर ही लेंगे थोड़ा बहुत. यस, एक तो मेंटी नहीं हो गई, मेंटी को तो भाई, वैसे मेंटी जितनी डिमांड में ना, मुझे लगता है मेंटी जितनी डिमांड में सलमान खान ईद की मूवी से पहले भी नहीं होता होगा. सलमान खान को बेचारे को ना टेंशन हो जाए मेंटी को देख के, बच्चे मेंटी के पीछे, मेंटी मेंट, इतनी इतने सेंटी बच्चे तो दुनिया में नहीं देखे भाई, मेंटी नहीं हो गई. यस, ऐसा जादू किया इस मेंटी ने ना, मैं तेरे मेंटी तू मेरे मेंटी.
बस यही गाना यार मेंटी तो बेचारे बच्चों के मतलब दिलो दिमाग पे छाई हुई है. बेचारा टीचर गला इधर चिल्ला रहा है, बोल रहा है, पढ़ा रहा है, कोई कोई कदर नहीं है. मेंटी बस मेंटी चाहिए इन बच्चों को. तो ये आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, या आपका एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक में आपको एंटीपोडल सेल, साइनोजिट वगैरह की लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है. आप स्टिग्मा की लेबलिंग कर दीजिए, स्टाइल की लेबलिंग कर दीजिए, साइफनोगैमी मल्टीपल पोलन ट्यूब्स जर्मिनेट करते दिखा दीजिए. वन पोलन ट्यूब इज गोइंग डाउन और यहाँ पर जा रहा है ये आपका एम्ब्रियो, ये ऊपर तीन नीचे तीन और बीच में दो. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो यू नीड टू ड्रॉ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पिस्टल फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट वेयर पॉलिनेशन इज अकर्ड, लेबल द फॉर्मिंग स्टिग्मा शोइंग जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स. दिख रहा है? यस. ए स्टिग्मा दिखा दिया आपने, स्टाइल दिखा दिया आपने लेबल करके. पोलन ट्यूब रीचिंग द माइक्रोपाई, यहां से ऐसे मत ले आना पोलन ट्यूब, माइक्रोपाई पे ले जाती हुई दिखानी है आपने. माइक्रोपाई पे पोलन ट्यूब दिखा दिया आपने, एम्ब्रियो सैक दिखा दिया आपने, कंपोनेंट्स ऑफ द एग अपैरेटस. सो एग अपैरेटस में आपने क्या दिखा दिया? तीन एंटीपोडल सेल, बीच के दो सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग फॉलोड बाय दोनों साइड पे लगे हुए साइनोजिट. कूल? यस सुमेधा जी, समझ में आ गया बच्चों? चले आगे. चलो, तो इफ यू आंसर दिस, हर एक पॉइंट के लिए 6 पॉइंट्स है, हाफ मार्क मिलेंगे. दिस विल गिव यू 3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. स्टडी द गिवन डायग्राम. ए इज एन एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी. बी दिख रहा है आपको? सो देयर इज ट्रोफोब्लास्ट व्हिच विल फर्दर डिवाइड इनटू सिंक्शियल ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इज एम्ब्रियोब्लास्ट. तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि डी आपका ट्रोफोब्लास्ट है और सी आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है. कोई डाउट? कोई डाउट? सिंक्शियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट है. हां जी. सो ए इज एन एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी व्हिच इन टर्न इज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम इन ह्यूमन फीमेल्स. आइडेंटिफाई ए बी एंड इट्स पार्ट सी एंड डी. तो ए क्या है बेटा आपका? ए क्या है पहले बताओ? सेल्स. बी क्या है? सील. सीलोम बन गया देखो आपका, है ना? अगर ये आपका मोनोला है तो ये ब्लास्टोसील हो जाएगा. सी क्या है आपका? एम्ब्रियोब्लास्ट. डी क्या है आपका? ट्रोफोब्लास्ट. स्टेट द फेट ऑफ सी एंड डी. सी क्या बनेगा आपका? सी बनेगा आपका एम्ब्रियो प्रॉपर व्हिच विल गेट डिवाइडेड इनटू एक्टो मीसो एंडो. सी क्या बनेगा? एक्टो मीसो एंडो एम्ब्रियोब्लास्ट. डी क्या बनेगा? एम्नियन कोरियन एलेंथोय. सो ए क्या है आपका? ए इज योर मोड्यूला. बी क्या है आपका? सीलोम वाला ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल मास आपका सी व्हिच इज द एम्ब्रियोब्लास्ट स्टेम सेल. डी आपका ट्रोफोब्लास्ट. इनर सेल मास विल डिवाइड और डिफरेंशिएट इनटू द वेरियस जर्म लेयर्स. तीन जर्म लेयर्स हैं आपकी, है ना जी? व्हाट आर द थ्री जर्म लेयर्स? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. और डी क्या आपका? ट्रोफोब्लास्ट व्हिच विल हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई फॉर्म्स प्लासेंटा. एनी डाउट्स? थैंक्स रजत. समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. कहीं पर आपको कोई लंबे लंबे सेंटेंस, कोई भावनाएं व्यक्त कर रहा है एग्जामिनर, कोई लंबे जो पूछा गया है उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए, यू विल गेट मोर मार्क्स. मेक इट क्रिस्प, मेक इट क्लियर, है ना? यस, मेक इट क्रिस्प. कोई ऐसी अपनी भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत नहीं है वहां पर. यस ऋतिक, done everybody. Ritik ko sab pata hai. Chalo, identify the figure given below and also identify the parts. Dekhiye aur B C D and E. State the function of E. Acha kitne bachcho ne humne kal kiya hai ye cotyledon wala diagram? Kal kiya hai humne. Biotonians will rock Chaya. Yes, Chaya, aapki t-shirt aaj bhej di gayi hai aur aa jayegi aap tak. So answer hai aapka mature dicot embryo, right? Figure below, mature dicot embryo, kyunki aapko do cotyledons nazar aa jane chahiye. Dekho diagram based questions kitne sare aaye hue hain, kitne sare. Very good Meghna Mahesh. To aapko abhi identify karna hai B kya hai aapka? Suspensor jo push karega embryo ko. This is the suspensor which is going to push the embryo into the endosperm. C है आपका radical, D है आपका plumule, E है आपके दो cotyledons.
काम क्या है आपके बी का, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. बेसिकली इट इज गोइंग टू पुश द एम्ब्रियो इनसाइड द सस्पेंसर इज गोइंग टू पुश द एम्ब्रियो, द कॉटिलिडन्स आर गोइंग टू स्टोर द फूड. डाइकॉटिलिडन्स दे आर गोइंग टू स्टोर द फूड. मोनोकॉट्स में होगा मेज, डाइकॉट में होंगे आपके लेग्यूम्स. राइट, फूड स्टोरेज. हार्ट शेप पहले होता है जस्टली, प्रोथैलस की तरह हार्ट शेप होता है, बाद में वो आपके दो कॉटिलिडन्स की शेप ले लेता है. नॉर्मल कपल हैज अ फर्स्ट चाइल्ड हुज हीमोफिलिक, दैट मींस बोथ द पेरेंट्स आर गोइंग टू बी यस कैरियर्स. कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल. कैरियर फीमेल ने किसको दे दिया, मेल को, बिकॉज मदर से किसको जाता है, सन को. राइट, जितने भी बच्चे नए आए हैं, बच्चे मैंने बायोटेक्नोलॉजी दो या तीन बार पढ़ा दिया है, आप एक बार चले जाइएगा हमारी वॉल पे और वहां पर या तो लिख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स. और फिर भी अगर आपको लगता है यू वांट मी टू डू समथिंग एल्स, एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल राइट, आई विल डू इट. राइट, थैंक्स थैंक्स अमीना, थैंक यू सो मच. Right? So normal couple has their first child who is hemophilic. Work out a cross to show how is it possible. So normal couple ka bachcha hemophilic aa gaya hai. That means wo ye baat kar rahe hain. Iski. To mother kya hai aapki, hemophilic hai, carrier hai. Matlab aise banayenge aap mother ko. Father kya hai bachcho, normal hai, aise banayenge. To inke offsprings kaise honge beta, dekh lijiye. X, 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 Y. नॉर्मल होंगे, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन. अब जब एक्स दूसरे वाला आ गया तो एक्स प्राइम एक्स मतलब कैरियर वुमन और एक्स प्राइम वाई मतलब आपका हीमोफिलिक सन. राइट, तो आपने बाकी सारे सेक्सेस को भी एक बार कर दिखा दिया है. सबा, सहीना, मानसी, फिनिक्सियन, शिफा, ऋतिक, डिड यू अंडरस्टैंड. हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक डिसऑर्डर, इट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इट गोज फ्रॉम द मदर टू द सन, फ्रॉम द सन टू द डॉटर. राइट, एक और सवाल आ गया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द पायोनियर स्पीशीज, पायोनियर स्पीशीज वो होती है जिन्होंने स्टार्ट किया है. सो व्हाट आर द पायोनियर स्पीशीज, पायोनियर स्पीशीज वो होती है जिन्होंने स्टार्ट किया है किसी जगह पर. फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स, ट्रेस द सीक्वेंस दैट फॉलोज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक. राइट, अंटिल एंड जो अभी पाया गया है उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्या कहते हैं बच्चों, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. इज दैट क्लियर एवरीबडी. Name this type of succession. So it is a primary succession. जब कभी कुछ नहीं था तो हम उसको primary succession कहते हैं. अगर पहले ही कुछ हो जाए तो उसको पहले हो, पहले ही already soil बनी हो but forest fire में सब कुछ गायब हो गया हो, that is referred to as the secondary succession. अच्छा, आज की क्लास में बच्चों ये भी लिखना है, how is the class? क्या मैं ईयर वाइज पेपर्स डिस्कस करूं या मैं दोबारा से आपको थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स कराऊं, आपको क्या चाहिए? देखिए, अगर मैं ऐसे पेपर्स डिस्कस कर रही हूं तो आपको लग ही रहा होगा कि ऐसे हमारे बहुत सारे पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं. देखिए, अगर मैंने ऐसे किया, अब इसके बाद मैं कुछ वेस्ट वाटर के पेपर्स डिस्कस करने वाली हूं, तो ऐसे हमारे काफी सारे पेपर्स डिस्कस हो रहे हैं, है ना. और अगर हम 8 टू 10 इयर्स के पेपर डिस्कस कर लेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बी वेरी गुड. उसके बाद हो सकता है मैं आपको थ्योरी भी कराऊं. तो आप लोग मेरा एक छोटा सा काम करोगे प्लीज. Yes, काम तो वैसे आप मेरा कोई नहीं करते हो, मैं आपको जो भी बोलती हूँ आप कोई काम नहीं करते हो, मैंने अभी आप लोगों से कट्टी कर लेनी है. Yes, मैं जा रही हूँ 10 दिन की छुट्टी पे, बस बाय बाय 2021 बैच को छोड़ के, क्योंकि 2021 को मैं जो बोलती हूँ वो बिल्कुल नहीं करता है. बताओ ऐसा किया जाए, यस और नो? छोड़ दिया जाए आपको जंगल में अकेला? नो डन. तो फिर आज क्या, आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या मैं ऐसे पेपर्स डिस्कस करती हूँ, शुड आई कंटिन्यू टू डू पेपर्स लाइक दिस, क्योंकि आपका एक तरह से पूरे ही पूरी बायो का ही रिवीजन होता चला जाएगा. बीच बीच में आपके लिए मैं क्विजेस वगैरह रखूंगी, ठीक है? नो वे, भगवान है कहाँ रे तू, हे भगवान, ये बच्चे इतनी नौटंकी, इतनी नौटंकी आजकल के बच्चे. यस, कौन सिखाता है ये सब आपको, ऐसे ऐसे एक्टिंग करना कौन सिखाता है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पायनियर स्पीशीज, ट्रेस द सीक्वेंस दैट फॉलोज. लाइकन्स आपके पायनियर स्पीशीज है. कहां से सीखते हो, मतलब ये कहां से सीखते हो ऐसी ड्रामेबाजियां करना? राइट, दे सिक्रीट एसिड, उनकी रूट्स में एसिड होता है जिसकी वजह से छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं रॉक्स में, उन छोटे होल्स में पानी गिर जाता है और जब बर्फ आती है ना तो वो जो पानी है वो फ्रीज कर जाता है.
और जब वो पानी फ्रीज कर जाता है और जब गर्मी आने पे वो एक्सपैंड करके दोबारा पानी बनता है, सो ये जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये क्या करता है, दिस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अलोन विल कॉज वॉट, यही एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सॉइल या पेडोजेनेसिस होती है. राइट, तो ये रॉक्स को डिसॉल्व करते हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है जिसको पेडोजेनेसिस कहते हैं. फिर आए आपके ब्रायोफाइट्स जिनको छोटी सी सॉइल चाहिए, ब्रायोसेटेरिडो, जिम्नो, एंजियो, स्क्रब, यू नो, लिटिल श्रब्स आए थोड़े से, एंड फाइनली स्टेबल क्लाइमैक्स की फॉरेस्ट कम्युनिटी बन गई. तो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, रॉक्स पे लाइकन्स ने पेडोजेनेसिस कराया, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो. Right? And then forest में तो धीरे आपको पता है herbs, shrubs and then the forest grows. So primary succession, हर एक stage को several stage कहते हैं. Every stage is called a several stage. और ये succession है. Primary succession, एक बार soil बन जाए, secondary succession. जब तक soil नहीं बनी है, it is your primary succession. The release of municipal water and industrial waste into our natural water bodies is causing disastrous effect. Biological oxygen demand को बढ़ा रहा है, eutrophication cause कर रहा है. Explain the biological treatment that should be given to it before releasing it. Primary, secondary, है ना? Primary succession, खुशी आप ठीक कह रहे हो जब soil नहीं बनती. Soil बन गए, secondary succession. The primary effluent is passed into large aeration tanks, जहां उसको mechanically agitate. देखो पहले उसको stand करो ताकि उसके अंदर जितने भी dissolved material है वो settle down हो जाए, right? फिर उसको आप एक aeration chamber में लेके जाइए, वहां पर जब आप air देंगे तो aerobic bacteria develop होगा. और ये एरोबिक बैक्टीरिया जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको डाइजेस्ट कर लेगा. तो जो ये बैक्टीरिया है, ये फंगस जो है ना, ये ऐसे उग रही होती है फंगस, तो इसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं. तो पहले आप एरोबिक कीजिए, फिर एनारोबिक डाइजेशन करवाइए. इज इट क्लियर एवरीबडी? और फाइनली जब आप उसको एक टैंक से दूसरे टैंक देंगे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट होगा, तो आफ्टर सम टाइम आप उसको सेटलिंग टैंक्स में डालिए और आप देखेंगे कि ये जो फ्लॉक्स है ये सेडिमेंट हो गए. जब आपके फ्लॉक्स सेडिमेंट हो गए उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, क्योंकि इस फ्लॉक्स को आप रीयूज कर सकते हो. अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज पंप्ड बैक इनटू द टैंक्स. तो पहले आपने एरोबिक किया, उसके बाद आप इसको कहां ले गए, एनएरोबिक डाइजेस्टर्स. सबसे पहले आपने उसको स्टैंड किया, मैकेनिकल फिल्टर्स के ऊपर से डाला, ऑल द ग्रिट, द स्टोन, द पेबल सेटल डाउन, देन यू टेक इट इनटू एन एरोबिक चेंबर. खूब हवा डालिए, एरिएट कीजिए, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया फंगस के बीच में फंस जाएंगे, इट विल फॉर्म द फ्लॉक्स, कीप इट फ्रॉम वन चेंबर टू द अदर, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज गेटिंग डाइजेस्टेड एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम द फ्लॉक्स विल सेटल डाउन, जिसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, इसको दोबारा पीछे वाले चेंबर में पंप कर दीजिए. यू टेक इट टू एन एनारोबिक डाइजेस्टर, जहां एनारोबिक bacteria along with the fungi digest कर देगा. और इस time पे bacteria की वजह से, specially Methanococcus वगैरह जो bacteria होते हैं, anaerobic bacteria होते हैं, gases like methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide are produced. ये जो spent slurry है, waste, इसको finally आप एक गोबर गैस प्लांट में ले जा सकते हैं, जहां Methanococcus bacteria डाल के methane प्रोड्यूस कर सकते हैं. और finally जो slurry है उसको आप फील्ड में as manure डाल सकते हो. You never introduce it into the water. This is what the Ganga Action Plan, जिसको हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, GAP or the Yamuna Action Plan says. Mention any two advantages of micro propagation. एक सेल से आप बहुत सारे सेल्स बना सकते हो. They are virus free क्योंकि आप टिप से लेते हो. Write how its process is carried out in the laboratory. बहुत अच्छा question है, तीन parts है. पहले पूछा advantage, फिर पूछा है process. And name two any important food plants grown commercially by this method. बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर. राइट एवरीबडी, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और एक्सप्लांट इज ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस, इट्स बैक्टीरिया फ्री. इज इट क्लियर? सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस. Right? ये सब ग्रोथ हार्मोन्स देके आप उनको उगा सकते हैं. व्हाट आर द टू प्लांट्स? पोटैटो, बनाना, शुगर केन, टोमैटो, एप्पल. KVP by के लिए बहुत जल्दी I'm doing something Vedant. Give me one or two days. Right? So this finishes 2020 paper discussion का half part. That's it.
Yes. What are we doing tomorrow? 10 a.m. Human reproduction. I'm going to be doing plant physiology from NCRT. And we are doing the board paper discussion part 2. Cool? Yes. See you tomorrow sharp at 10 a.m. Don't go anywhere. See you, bachcho. Achche se padho. Achche se human reproduction ki taiyari karo kyunki kal 10 a.m. hamara mega test hai. That's all for the day. Bye. Take care. Bye.